हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ कव्वाली स्टाइल सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे से गाने का ट्यूटोरियल बताऊंगा। इसमें जो भी पैटर्न बजाए गए हैं, मैक्सिमम पैटर्न कव्वाली स्टाइल में बजाए गए हैं। तो आइए इसको समझते हैं, सीखते हैं। गाने का जो टेम्पो है वो मध्य लय में है और इस स्पीड में हम जो भी कव्वाली पैटर्न बजाते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये गाना बजा है और इसमें क्या क्या चीज़ें बजाई गई है, किस किस बोल को, किस किस बोल के कॉम्बिनेशन को हम इसमें समझ पाते हैं। आइए सुनते हैं। तो आपने सुना कि मुखड़ा कह लीजिए, उठान कह लीजिए, किस तरीके से बजा है। तो ये जो मुखड़ा है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि छोटे छोटे चीज है, इनको हम समझते हुए चलेंगे ताकि इन बोलों को आप किसी और भी पैटर्न में यूज करें तो आप डिट्टो इस तरीके से बजा पाए और अच्छे तरीके से इसको निकासी कर पाए। तो बहुत अच्छे से समझने की इसको कोशिश करें और समझिए। देखिए, जो उठान, जो मुखड़ा बजाया गया है वो किस तरीके से है। ता तिरिकट तिकतक तिरिकट, तो ता कैसे बजाया गया है। ता तो सिंगल ये होता है लेकिन इसके साथ का भी इसमें जोड़ा गया है ताकि ता का जो वेट है वो प्रेशर थोड़ा सा भारी भरकम सुनाई दे। तो इस तरीके से ता तिरिकट, फिर ती र सेंटर में, ती र की ट, ता तिरिकट है, इतना हो गया। फिर तिक तक तिरिकट, तो तिक तक तिक, देखिए ती क तक, देन तिरिकट है, ती र तो ता तिरिकट तिकतक तिरिकट। इसका रियाज का पैटर्न भी बन सकता है। इस तरीके से आप इसका रियाज कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद क्या है, बोल क्या है, धिक्ता तिक्धा, धिक्ता तिक्ता, है ना। इस तरीके से इसको बजाया गया है। तो इसको अगर हम समझेंगे तो देखिए किस तरीके से समझ सकते हैं। दाहिने का जो लूप बन रहा है वो टिक ता टिक ता टिक ता टिक ता टिक ता टिक ता, है ना। टिक इस तरीके से बजा सकते हैं। ये थपकी वाला टिक बोलते हैं इसे। ये टिक किस तरीके से बजाते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ता बजाते हैं वैसे ही इसको बजाते हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट फिंगर है यहाँ पे प्रेस हो जाता है और जो मिडिल फिंगर है वो भी यहाँ पे चिपका हुआ होता है। तो प्रेशर हमेशा फर्स्ट फिंगर में रहेगा, मिडिल फिंगर आपको खाली बस चिपकाना है हल्के सपोर्ट से इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी बजा सकते हैं, लेकिन ये ढोलक का पैटर्न हो जाता है। फिर भी आप तबले पे यूज कर सकते हैं। तो टिक ता टिक ता, भारी भरकम साउंड आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। अब डग्गे का देखिए मॉड्यूलेशन क्या है, धिक ता, है ना, धिक गे के साथ टिक बजा दिया, या फिर इस तरीके से धिक ता, फिर टी ग धा, देन धिक, जो दूसरा वाला धिक है धिक ता, ये स्लाइड करके म्यूट कर दी मैंने, धिक ता धिक ता धिक ता धिक ता, देन सिंगल तिक ता, तो धिक ता धिक ता धिक ता तिक ता धिक ता धिक ता धिक ता धिक ता। इस तरीके से ये बज रहा है। तो आइए इसका जो दूसरा पैटर्न है वो भी सुन लेते हैं। तो देखिए इसका जो मुखड़ा बना है वो किस तरीके से है, ते ते ता ता ते ते ता ता ते ते ता तिरिकट तक तिरिकट, है ना। ये आपने कई बार सुना होगा और बहुत ही सिंपल मुखड़ा है। अधिकतर ये मुखड़ा हमें सुनाई देता है,
ठीक है, तो ये किस तरीके पे बजेगा, टे के रिवर्स में, ता के साथ का जोड़ दीजिए, देन सिंगल ता यहाँ पे इस तरीके से, टे ता ता, देन टे ता तीरे के ते ते के तीरे के ते। इसके दो पैटर्न बन सकते हैं, तो देखिए है ना। तो देखिए इसके बाद का जो पैटर्न बना है वो क्या बना है, ये पूरा एक पूरा पूरा एक कहवे का दूसरा पैटर्न बोल सकते हैं कव्वाली स्टाइल में, तो धाति तिक धाता ति धिक ता ता धि तिक ता ता ति तिक ता धाति तिक धा धाति। देखिए धा के बाद ती के बाद ई बजाना है, फिर उसके बाद ती को, ती का जो ई है उसमें हम गे को म्यूट कर रहे हैं, कैसे, धाति धाति ये धाति तिक धाति, देन टिक को हम रिवर्स में, रिवर्स गे के साथ यहाँ पे बजा दे रहे, टिक ये सेम वही थपकी वाला ते है, तो धाती टिक धा है ना, इस तरीके से, तो धाती टिक धा धाती टिक धा इस तरीके से बजना है। उसके बाद क्या है, धाती टिक धा धाती टिक धा ता ती धिक ता, ता सिंगल है, ती के साथ एक खुला गे है, और फिर धिक ता धाधि तिक ता धाधि तिक ता। उसके बाद क्या है, ताधि तिक ता ताधि तिक ता ताधि तिक ता, इस तरीके से धाधि तिक ता ताधि तिक ता ताधि तिक ताधि तिक। देखिए ता सिंगल है, धी को स्लाइड करके म्यूट कर दिया, देन रिवर्स में एक और गे तिक के साथ हो जाना है, ताधि तिक ता धी तिक ता, और इसमें जो ता आ रहा है इसके साथ भी एक का है, तो यहां तक बजा के देखते हैं, धा धी तिक धा ता धी तिक ता ता धी तिक ता, देन ता ति धिक ता ता ती धिक ता ता ती, देखिए ती के साथ एक गे है, देन धिक ता, तो धा धी तिक धा ता ती तिक ता ता धी तिक ता ता, धाती तिक धाता ती धिक ता ता धि तिक ता ता ती तिक ता, है ना, तो ताती तिक ता ताती तिक ता ताती तिक, तिक के साथ एक का है यहाँ पे, देन ता ये लास्ट वाला पल्ला है, ताती तिक ता धाती तिक ता ताती तिक ता ताती तिक ता ताती तिक ता। तो पूरा बजाएंगे तो कैसे लगेगा, इस तरीके से ये बज रहा है। तो इसके साथ ही देखिए इसका जो दूसरा पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक 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 ता ठीक 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 ता ठीक ठीक, देखिए ठीक ठीक स्लाइड करके म्यूट करना है आपको, ठीक यहां पे ठीक फर्स्ट फिंगर इस तरीके से थपकी वाला ते है, ठीक देन ठीक 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 ठीक, है ना, टिक के साथ एक रिवर्स वाला ये भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, धिक धिक टिक ता धिक धिक टिक ता धिक धिक टिक देन ता, और उसके बाद टिक टिक धिक ता धिक धिक टिक ता टिक टिक धिक ता टिक टिक, देखिए सिंगल टिक देन यहाँ से टिक देन टिक टिक, इस वाले टिक के साथ एक गे जुड़ रहा है यहाँ पे, टिक टिक धिक ता धिक धिक टिक। इस पैटर्न को आप इस तरीके से बजा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक, इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, और मैंने जो जो भी पैटर्न इसमें बताए हैं इनको बजाने की कोशिश कीजिए, सीखिए, जो भी समझ में ना रहा हो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप सीधे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
और अपना वीडियो बनाइए, मुझे सेंड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे आप जानकारी लीजिए, समझिए और अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक, बहुत बहुत धन्यवाद।